ये प्रतिमा आपने बनाई है? जी मैं और प्रांजल सिंह ठाकुर, निहाल सिंह ठाकुर मेरा फ्रेंड है और मैंने। अच्छा, ये हमारा चतुर्थ वर्ष है। आंटी माफी चाहता हूँ मैं। बाबा सभी लोग को आरती दर्शन कराएं और भैया एक हनौरा जाए ऊपर तो ये प्रसाद उठा लें समिति से ही। राम भैया, ये जो है हमारे साथ में किशोर भैया हैं, हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। इस नवरात्रि हम लोग आपको दिखाते हैं जबलपुर की सबसे प्यारी प्यारी दुर्गा जी। वैसे प्यारी प्यारी तो सभी हैं, बेबी जो है एक मतलब रूप होता है माँ का, वही हम आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग जो है बाजनामत की दुर्गा जी, गड़ा फाता गड़ा की दुर्गा जी, अपने मेडिकल की दुर्गा जी, धनवंतरी नगर की दुर्गा जी और भी सभी जगह की मतलब आसपास की सभी जगह की हम आपको जो है दुर्गा जी दिखाएंगे। तो आप जो है वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपने फैमिली वालों के साथ में। तो बोलो जय माता दी। जबलपुर की नवरात्रि में ना डेकोरेशन ही बहुत प्यारा होता है दोस्तों। ये धनवंतरी नगर तरफ ये जो प्रतिमा है ये आपको धनवंतरी नगर जाते हुए दिख जाएगी। जब आप गढ़ा से धनवंतरी नगर के लिए जाएंगे, यहाँ पर जो है गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता गौरी, सभी मतलब गणेश जी का जो परिवार है ये पूरा विराजमान है। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आंटी लोग जो हैं काफ़ी अच्छे अच्छे भजन जो हैं कर रही हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आंटी लोग रुक गई हैं। आंटी माफ़ी चाहता हूँ मैं। काफी प्यारी प्रतिमा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कमल के ऊपर जो है मैया जी का विराजमान हुआ है, नीचे से ऊपर कमल, क्या कलाकारी है। भारतीय संस्कृति जहाँ पर डीजे ना लगा करके महिलाएं जो है रात में भजन कर रही है, यही है माया की भारतीय संस्कृति। समिति तालाब अभिनय कॉलोनी गंगा नगर बड़ा जबलपुर अपने हर वर्ष की तरह इस वर्ष की माँ दुर्गा जी की प्रतिमा हमने दर्शन की है और आप सभी श्रद्धालु भक्तों से अनुरोध है कि यहाँ दर्शन करने के लिए आए।
और माता का आशीर्वाद प्रदान कर। जय माता दी। अभी हम लोग जा रहे हैं गंगानगर तरफ। यहाँ पर भी बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ है गंगानगर तरफ जो है, और चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कि कोई प्रतिमा बैठा ली गई है। बहुत ही प्यारी प्रतिमा। चलिए आपको इनके भी दर्शन करवाते हैं। 02 02 02 02। नगरवासियों का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा प्रथम वर्ष मारिवा दुर्गोत्सव समिति नवनवेश कॉलोनी अंगनगढ़ इसमें माता रानी की अद्भुत झांकी प्रथम वर्ष बैठा ली गई है। कृपया कर सभी भक्तजनों से निवेदन है आकर माता रानी के दर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। यहाँ पर जो है हर साल ना बहुत ही प्यारी दुर्गा जी का विराजमान किया जाता है। अब देखते हैं इस साल किस रूप में माता जी को विराजमान किया हुआ, मैया रानी को विराजमान किया हुआ है। करवाते प्रतिमा के दर्शन। अभी हम जो है गड़ा पूर्व में खड़े हुए हैं, जहाँ पर बहुत ही प्यारी जो है मैया पार्वती जी की और प्रभु श्री शिव जी की प्रतिमा जो है स्थापित की गई हुई है। और अभी यहाँ पर जो है स्थापना चल रही है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं तीनों जगह पृथ्वी गौर गणेश कलश सूत्रा तथा लोकान कल्पयन्न विद्यं समय। पंडाल हमें देखने को मिला है। ये प्यारी सी माता जी का यहाँ पर भी जो है स्थापना की गई है। वाकई में ना गढ़ा की जो क्यों किशोर भैया क्या बोलते हो, गढ़ा की दुर्गा जी कैसी है, है ना। आइएगा भैया भंडारे में। महाअष्टमी वाले दिन सब अष्टमी को आरती, नवमी के दिन हवन और दसवें दिन भंडारा, बारह को विसर्जन माता रानी का। माँ महाकाली परिवार, नामदेव परिवार, ये हमारा माता रानी का चतुर्थ वर्ष है। हम लोग खुद बनाते हैं ये, मतलब हम लोग ने खुद अपने हाथ से बना के रखी है। मैं, मेरा फ्रेंड प्रांजल सिंह ठाकुर, निहाल सिंह ठाकुर, मेरा नाम स्वयं चंदन नामदेव। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि माता रानी के दर्शन करके सभी दर्शन प्राप्त करें। ये प्रतिमा आपने बनाई है? जी, मैं और प्रांजल सिंह ठाकुर, निहाल सिंह ठाकुर मेरा फ्रेंड है और मैंने। अच्छा, ये हमारा चतुर्थ वर्ष है। काफी प्यारी प्रतिमा है यार।
काफ़ी प्यारी, मतलब जैसा एक मूर्ति का स्वरूप देता है वैसे ही इन्होंने भी स्वरूप दिया हुआ, पूरा सेम टू सेम यार, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ना बिल्कुल यार, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो भैया कहाँ आना पड़ेगा? नवा नारा गौतम जी की मड़िया गढ़ा चुप। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है भैया, ठीक है ना, जय माता दी। जगत कल्याणी दुर्गोत्सव समिति गौतम जी की मढ़िया, आप जो मूर्ति देख रहे हैं ये माता जबलपुर की राजरानी, जबलपुर की राजरानी गौतम जी की मढ़िया गढ़ा वहाँ देख रहे हैं हम सभी मिलके। 37 वर्ष हो गए इस मूर्ति को, 37 वर्षों से हम सभी माता जी की आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और आप सभी का सहयोग। हम भी जो है चैनल के माध्यम से इस समिति के लिए बोलना चाहते हैं कि जबलपुर की जो राजरानी है आप उनके दर्शन करने अवश्य पधारे, यहाँ पर गौतम जी की मढ़िया के पास में ही है, आप जैसी गौतम जी की मढ़िया आप आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको सजा हुआ दिख जाएगा बस, और शायद तक कल परसों तक बैनर भी लग जाएगा, कल परसों तक बैनर भी लग जाएगा। अभी 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 बैनर, मतलब चलो बहुत अच्छी वाली बात है, अभी बैनर लग जाएगा, अभी तक तो बैनर नहीं लगा था। चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी।